माय फ्रेंड, मैं जरनैल सिंह रंधावा रियल लाइफ जर्नी से। आज हम सीजनेबल सब्जियां काफ़ी आई हैं बाजार में, मटर फ्रेश आए हुए हैं, आलू ताज़ा निकले हुए हैं, मशरूम आलू और मटर की आज ग्रेवी वाली तरी वाली सब्जी बना के बताएंगे। इसके बारे में हमारे को लेने पड़ेंगे 2 से 3 टमाटर, 3 से 4 प्याज, 2 गट्ठी लहसुन, 2 गट्ठियाँ अपने अदरक की, 5 से 6 मिर्च और आधी गुच्छी मेथी की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे मशरूम की, मशरूम के 4-4 पीस कर लेंगे हम। और इन सब्जियों का फायदा बहुत है, मशरूम भी आजकल सस्ता है, 30 से 35 रुपए की गुच्छी आती है अपने डिब्बी। ऐसे ही हमने आलू को भी छोटे छोटे पीस करने हैं। ये हमें मिर्ची बारीक बारीक काट लेंगे। चार से पांच मिर्ची, टमाटर भी हमने छोटे छोटे कर लेने ताकि ब्लेंडर में अच्छी तरह ग्राइंड हो सके। ये आपने कटिंग करके तैयार हो गया। ये बस 2 दिन बाद गार्निश करेंगे ताकि ब्लेंडर पे लोड ना पड़े। अब ये पहले हम अदरक गिरेंगे, इसमें लहसुन, प्याज, ये अपना ब्लेंडर हमने कर लिया सारा, अदरक लहसुन प्याज सब ब्लेंड कर लिया, टमाटर कर लिए, हरी मिर्ची कर ली। अब हम करेंगे गैस फ्लेम स्टार्ट। ये हो गया अपना गैस फ्लेम स्टार्ट। ये हमारे घर का देसी घी है, 1 से 1.5 अच्छी गाय का देसी घी। अब इसकी पिघलने में थोड़ी वेट करेंगे हम। आप देंगे अब 1 से 1.5 चम्मच जीरा, जीरे का मैं अच्छी तरह भून लेना। थोड़े से लेंगे सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड, ये तब तक लाना जब तक ये चिटकने न लग जाए। चार से पांच लौंग, इसे बाय बाती सब खत्म होने दे। 1 मोटी इलायची, 1 थोड़ा चिटकने लगे जीरे का रंग ब्राउन होने लगे। लहसुन अदरक ये सब पेस्ट हमने इसमें मिला दी। अच्छी तरह से हिला लेना, गैस फ्लेम थोड़ा तेज कर लेंगे।
ये तब तक लाना जब तक ये देसी घी छोड़ ना दे। ये अपना ब्राउन हो गया, ऑयल छोड़ने लगे। अब इसमें कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें पानी गिरेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो अपने पीसी थी, अब इसका जो ऑयल छोड़ेंगे फिर उसके बाद हम दूसरा ये मटर मशरूम आलू वगैरह मिलाएंगे और मसाले मिलाएंगे, इसे पकाना अच्छी तरह। ये अपने 15 से 20 मिनट लग गए, अपना मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी गिरेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। जब ऑयल छोड़ने लगे तो समझो मसाला तैयार है अपना। ये हो गया मसाला अपना तैयार। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच देगी मिर्च, इससे रंगत अच्छी बन जाती है। अच्छी तरह मिलाओ। दो से ढाई चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच हल्दी, चना मसाला, चना मसाला और गरम मसाला बोल के सकते हैं। ये पुदीना और जीरे का मसाला, ये 1 से 1.5 चम्मच ये मिला सकते हैं। अब इसे मसाले में थोड़ा 2 से 3 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह। अब ये कह रहे हैं मशरूम, मशरूम कटा हुआ। मशरूम को अच्छी तरह मिला लेना है, थोड़ा मशरूम पक जाएगा। इसमें पानी मिलाएंगे ताकि नीचे ना लगे। और ये 5 मिनट कम से कम अलग पकाएंगे मशरूम को। अब ये इसमें मिलाएंगे मेथी। मेथी कई फायदे हैं, बाएं बादी ज्वाइंट पेन सब दूर हो जाती है। अब इसे अच्छी तरह पकाएंगे मेथी को। और इसमें मिलाएंगे अपना आलू, आलू थोड़ा पकाएंगे। ये अपना सारा तैयार हो गया। सबसे बाद में हमने गिरने मटर, ये मटर जल्दी गल जाते हैं, आलू को टाइम लग जाता है, आलू मशरूम को वही, इसलिए हमने आलू और मशरूम पहले गिर दिया था मसाला पकाने के पहले। मसाला पकने के बाद और अब ये हो गया अपना तैयार। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ढक के रख देंगे, ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। पानी अपना स्वाद अनुसार जितना चाहो उतना गिर सकते हो कम।
15 से 20 मिनट इसको ढक के रखेंगे, ये तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद ये अपनी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें धनिया काट के बारीक बारीक बना देंगे। कितनी बढ़िया रंगत आ गई, बन के सब्जी तैयार हो गई है। मटर, मशरूम, आलू, अब देखते हैं इसमें क्या कमी है, कैसी बनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको हम नई से नई वीडियो बना के दिखाते रहें।